जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों तथा परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि चकबंदी के मुकदमे भी ऑनलाइन दर्ज किए जाएं, पुराने मुकदमों का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाए और परिसर में साफ सफाई के उचित प्रबंध किए जाएं। जिलाधिकारी ने उप संचालक चकबंदी न्यायालय का निरीक्षण किया। मुख्य राजस्व अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका जीपीएफ पासबुक अद्यतन नहीं पाई गई, जिस पर डीएम ने जिलाधिकारी सहायक सीआरए को चेतावनी देते हुए 15 दिनों में सभी पुस्तिकाएं अद्यतन करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने भूलेख अनुभाग, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर वित्त एवं राजस्व सीआरओ न्यायालय का निरीक्षण किया तथा अभिलेखों का मुआयना किया। उन्होंने मंडलीय ऑडिट कार्यालय और अपने न्यायालय का भी निरीक्षण किया। डीएम ने प्रत्येक कर्मचारी से उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्य की जानकारी लिया तथा उनके समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रभुनाथ रजनीश चंद्र, सीआरओ बलराम सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया, कौन बैठता है इधर? तो ये बैठे वगैरह रहते हैं, ये आपसे ही वहाँ जी इधर किसी था आपका, आप यहाँ बैठते हो जी? यहाँ जी आप बैठे यहाँ कौन कंप्यूटर पर बैठता है जी? संतोष फौजदार जी, आप क्या देखते हो? क्या है कंप्यूटर नहीं किए तुम? नहीं, कंप्यूटर में कास्ट लिस्ट निकालो ना, इसी से करो, इसी को बस केवल चश्मा करना होता है जी। कर्मचारी संख्या इधर भी है उधर आपको वो जगह नहीं मिला है इसके अलावा? नहीं सर, ये इसी जगह है।
मनोज कुमार किसी छुट्टी लिया देख लो राजेश जी मनोज कुमार में नोट करो कहाँ एप्लीकेशन है उनका अंदर गाड़ी के नीचे नहीं बैठा चलिए ठीक है आप क्या क्या देखते हो मृतक का जिसमें किसी के पास पेंडिंग तो नहीं है आपका नाम क्या है जैकेट आप सी आर है सी आर पहले बगल में बैठे थे आप एंट्री वेंट्री इस पे चढ़ता है मनोरंजन के लिए एक मिनट हम लोग दो साल पहले रास्ता था तो एकदम साफ था खुल जाता कुछ सही हो जाएगा वहाँ पे पतला है चार फीट का वो भी चालू है जर्जर भवन है सफेद बिल्डिंग दिख रहा है वो क्या दफ्तर है किसी का वो जिला पंचायत गेट से उधर जिला पंचायत
किसी को अंदर रखने में तो क्या गलत हो जा रहा है दुकान कौन चला रहा है क्या सर से आगे चल रहा है जब से तो पहले जो सर निरीक्षण किया क्या पाए हैं? देखिए कलेक्ट्रेट में तो मोइना था, ये रजिस्टर में मतलब हमने निरीक्षण में तो पहले जो रिकॉर्ड रूम देखा था, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम, इस पर जो तमाम जो 6 महीने से 1 साल से जो एप्लीकेशन पेंडिंग है यहाँ, पहले भी ये शिकायत मिली है, इसलिए जो यहाँ कितने लोग 2 साल से पुराना है सबको हटा दिया, करीब 15-20 लोग यहाँ से हटा करके तहसील में भेज दिए। और यहाँ कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी है महाराजगंज जनपद का अभी भी पड़ा है, और यहाँ वीडिंग समय से नहीं हुआ है, उसको भी निर्देश दिए महाराज इनका रिकॉर्ड महाराजगंज चले जाए, और बाकी वीडिंग का भी अतिरिक्त स्टाफ लगा करके यहाँ दे, ये व्यवस्था 15-20 दिन में सही हो जाएगा। बाकी यहाँ जनरल साफ़ सफाई का बहुत कमी था, उसको तो हमने नाजिर को बता रखा था 10 कर्मचारी यहाँ सफाई के लिए अलग लगवा लें, उसको रोज़ाना सफाई हो जाए, और नगर निगम को भी बुला रखा है सही कराने के लिए, और जगह जगह कूड़ा कबाड़ा वहाँ पड़ा है, सफाई का अभाव है। अब हमने समय दिया तो 15 दिन के बाद फिर मुआयना करूँगा, तब तक ये कूड़ा कबाड़ा सारा चीज़ हटना चाहिए, और बाकी जो कर्मचारी कौन कौन लापता है उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे आज, जो कितने लोग लापता है। बाकी जो ये निरीक्षण है, ये औचक निरीक्षण है, वो लगातार चलता रहेगा। सर लोगों की शिकायत भी कुछ हुई है क्या? ये शिकायत बेसिकली इन लोगों का रिकॉर्ड रूम के संबंधित है, रिकॉर्ड रूम में इन लोग कह रहे थे 2 महीने 3 महीने 6 महीने किसी का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा, हमने बताया तो शासन के निर्देश के हिसाब से 15 दिन के अंदर इनका रिकॉर्ड मुहैया करना चाहिए था, नहीं किए तो वो संबंधित अधिकारी कर्मचारी को बोल रहा है, अब उसको तो गंभीरता से लिए हैं, इसलिए तो यहाँ का सारे कर्मचारी का हटा दिया, अब 15 दिन के अंदर सारे जो रिकॉर्ड वंचित रह गया वो सारे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो संबंधित। सर हल्की सी बारिश में जल जमाव जल भराव काफ़ी हो जाता है, उसके लिए ना कल शाम को 4 बजे एक महीना हम लोग तय किए हैं, हम नगर आयुक्त GDA जल निगम वाले सब लोग मुहैया करेंगे, जनपद का पूरा बारिश समस्या यहाँ, ताकि हल्की भी बारिश हो जाता है जल जमा हो जाता है, उसके कहाँ कहाँ पंप हाउस चालू कराना है, कहाँ कहाँ और सफाई का आवश्यकता है, उसे कल शाम को 4 बजे से 6 बजे मुहैया करके तय करेंगे, ताकि जो बारिश के पहले जो कितने नाली का सफाई होना है और पंप हाउस का चालू रखना है और जो भी व्यवस्था करना है उसको हम लोग अभी से प्रारंभ करेंगे।